सबसे पहले मुनावर को बोला था कि ही विल बी द विनर, और उसने आपका भी पोस्ट भी डाला है, उसने क्या कहना चाहोगे? मुनावर ने आपका पोस्ट डाला, क्या कहना चाहोगे यार? एक्चुअल में ना पहले तो मुनावर को ये बात पता है नहीं पता है कि आई वाज द फर्स्ट वन टू से दिस दैट मुनावर विनर रहेगा एंड द फर्स्ट कंटेस्टेंट इन द होल रियलिटी शो हुज प्लेइंग विद हार्ट एथिकली मॉरली ही वाज करेक्ट. तो जब वो जीता तो मेरे को ऐसा लगा यार बहुत अच्छा लगा. तो आखिर में आपकी बात, मतलब आपने जो बोली थी, जो आपको एनालिस्ट किया था, आपने पूरी तरह से सही निकला, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाला था कि आपका वो इंटरव्यू कि मेरा वो इंटरव्यू का क्लिप जो आपने लिया था एंड मुनव्वर ने वो वीडियो में शेयर किया था. सो बहुत अच्छा लगा. अभी वो अपने काम में बिजी रहते हैं, मेरी चीज़ों में बिजी रहता हूँ. बट आई गॉट टू नो फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि मुनव्वर वो सारे सेम प्लेसेज और बुटीक्स में गए जहाँ पे हम लोग जाते हैं. तो उन्होंने बताया मुनव्वर के बारे में कि मुनव्वर इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड अ डाउन टू अर्थ गाय. मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, बट मेरे को लोग जहाँ तक बता रहे कि मुनव्वर इज अ रियल गोल्ड फ्रॉम हार्ट एंड अ डाउन टू अर्थ पर्सन. सो बोलते ना जिसके पैर जमीन पर रहते हैं उसको ऊंचाई देता है. सो मुनव्वर खतरों में नहीं जा पाए क्योंकि उनका वीजा रिजेक्ट हो चुका है, क्या कहना चाहोगे? सच अ डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि मीडिया में सब जगह उनका इंटरव्यू हो चुका था. एक्चुअली आपको जैसे पता रहेगा कि प्रतीक सेजपाल वाज माय फेवरेट बिग बॉस के टाइम पे एंड इधर से मुनव्वर एंड फैजू इज अ गुड फ्रेंड. तो मेरे को इतना मन था ना ये तीन लोगों को देखने का वहाँ पे, मतलब मजा आ जाता था. तो अभी प्रतीक है, फैजू है, काफी उनको इंजरी हो रही है वहाँ पे कई सारे कंटेस्टेंट को, क्या कहना चाहोगे? फेजू कितना आपको लगता है फेजू, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? इज अ शेर बच्चा है, ही रॉकेट मैन एंड प्रतीक सेजपाल तो सबको मालूम है, अड़ियल जिद्दी नेवर गिव अप एटीट्यूड. तो मेरे को ना एक्चुअल में प्रतीक और फेजू दोनों दोस्त है, मेरे को दोनों को देखने का कि दोनों कैसा दे रहे हैं, टफ दे रहे हैं, मजा आएगा. आप फेजू की कोई है क्या कोई मतलब फोबिया या किससे वो डरता है? आप तो उनके साथ ही रहते हैं. ऐसे बहुत सारे फोबिया है बट आई कांट रिवील इट ओवर हियर. रिवील तो हो ही जाएगा. नहीं, वो जो हम लोग वाले फोबियाज है वो कुछ अलग है फोबियाज है. तो नहीं, जन्नत भी गई है आप लोगों की फ्रेंड, क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है जन्नत कर पाएगी, मतलब शीला मेरी? अच्छा ममाज गर्ल. नहीं बट लोगों को ऐसा लगता है कि जन्नत ममाज गर्ल है, बट नहीं, एक्चुअल में इवन शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. मतलब आप उससे बात करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस दिखता है उसकी बातों में. तो आपको लगता है वो जीत पाएगी क्या? आपको क्या लगता है? लड़कियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई, कुछ भी कर सकते हैं. सो यस शी कैन. ओके, मुनव्वर मुनव्वर होते तो क्या होता था, मतलब आपके हिसाब से? मुनव्वर होता तो वो बोलते ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो प्रतीक मुनव्वर एंड फैजू, मजा आता था. बट नहीं गए, वो लक के ऊपर है, जब नसीब में रहेगा ये. आखिर में